नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। लेकर आया है टैपाई T10 लीग में कल को जो तीन मुकाबले खेले जाएंगे, तीनों मुकाबलों की पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, इनफॉर्म बल्लेबाज और इनफॉर्म गेंदबाज, आपके लिए सारी जानकारी लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं, कल को टैपाई T10 लीग में तीन मुकाबले खेले जाएंगे और ये तीनों मुकाबले खेले जाएंगे यिंगफेंग क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। इससे पहले इस ग्राउंड के ऊपर 12 मुकाबले खेले जा चुके हैं टैपाई T10 लीग 2020 के, जिसमें से पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 6 मुकाबले जीती और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 6 मुकाबले जीती। और अगर बात करें पेस बैट्समैन की, तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने 74 विकेट चढ़का है। स्ट्राइक रेट 15.31, इकॉनमी रेट 8.39 और स्पिनर गेंदबाजों ने यहाँ पर 13 विकेट चढ़काए। स्ट्राइक रेट 9.53, इकॉनमी रेट 6.02। तो यहाँ पर अगर देखिए तो विकेटें तो ज़्यादा ली है तेज गेंदबाजों ने, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में और इकॉनमी रेट के मामले में स्पिनर गेंदबाज बेहतर है, क्योंकि विकेटों के मामले में अगर देखा जाए तो वहाँ पर तेज गेंदबाजों ने बहुत ज़्यादा विकेटें ली है स्पिनर गेंदबाजों के मुकाबले। तो ऐसे में हम लोग यही कहेंगे कि इस पिच के ऊपर तेज गेंदबाजों को ज़्यादा हेल्प मिलती है और स्पिनर गेंदबाजों को कम हेल्प मिलती है। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 81 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 112 रन, सबसे कम स्कोर बना 48 रन, सबसे बड़ा चेस हुआ 71 रन, सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ 71 रन। और अगर बात करें बाउंड्रीज के बारे में, तो यहाँ पर स्ट्रेट और बैकवर्ड बाउंड्री 67 यार्ड की है और एक साइड पे बाउंड्री 57.5 यार्ड की है और एक साइड पे 61 यार्ड की है। और अब यहाँ पर मौसम के बारे में बात करते हैं, तो मैच के दिन मौसम रहेगा 33 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक, क्लाउडी रहेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। और अब यहाँ पर बात करते हैं पहले मुकाबले के बारे में, तो पहला मुकाबला खेला जाएगा CHI और ISM टीम के बीच। और अब आपको दिखाते हैं इस मुकाबले के इनफॉर्म बल्लेबाज, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। विश्वजीत तनवर, इन्होंने 96 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। राजेश मेहता, इन्होंने 90 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। देवांग शाह, इन्होंने 82 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। और अब आपको दिखाते हैं पहले मुकाबले के इनफॉर्म गेंदबाज, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। पृथ्वी मौर्य, इन्होंने 4 विकेट झटकाए इस टूर्नामेंट में। देवांग शाह, इन्होंने 4 विकेट झटकाए इस टूर्नामेंट में। सुरेश दोषी, इन्होंने 2 विकेट झटकाए इस टूर्नामेंट में। और अब यहां पर बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला ISM टीम जीतेगी। बात करते हैं दूसरे मुकाबले के बारे में, तो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा PCU और ISM टीम के बीच। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। देवांग शाह, इन्होंने 82 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। शहजाद खान मोहम्मद, इन्होंने 63 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। उस्मान जावेद, इन्होंने 55 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज, देवांग शाह, इन्होंने 4 विकेट चढ़काए इस टूर्नामेंट में। मीर, इन्होंने 3 विकेट चढ़काए इस टूर्नामेंट में। काजी, इन्होंने 3 विकेट चढ़काए इस टूर्नामेंट में। और अब यहाँ पर बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला ISM टीम जीतेगी। बात करते हैं तीसरे मुकाबले के बारे में, तो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा PCU और CHI टीम के बीच। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। शहजाद खान मोहम्मद, इन्होंने 63 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। विश्वजीत, इन्होंने 96 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। उस्मान जावेद, इन्होंने 55 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। और अब आपको दिखाते हैं इस मुकाबले के इनफॉर्म गेंदबाज, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। पृथ्वी मौर्य, इन्होंने 4 विकेट चटकाए इस टूर्नामेंट में। काजी मजहर, इन्होंने 3 विकेट चटकाए इस टूर्नामेंट में। और मीर, इन्होंने 3 विकेट चढ़काए इस टूर्नामेंट में। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज और इनफॉर्म गेंदबाज। और अब यहाँ पर बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला CHI टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।